हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में। क्या होता है एल्गोरिथम, देखते हैं। एल्गोरिथम मीन्स ए सेट ऑफ फाइनाइट रूल और इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन। क्या एक सेट ऑफ फाइनाइट रूल होता है और इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है, जैसे कि कोई आपने इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ रूल प्रोग्रामर ने उसमें लिख रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये एल्गोरिथम का काम होता है। एल्गोरिथम मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, और कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम एल्गोरिथम बना सकते हैं। अब नीड ऑफ एल्गोरिथम क्या है? सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशियंटली। जैसे कि अगर नीड ऑफ एल्गोरिथम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशियंटली, मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड मेक देम मोर रिलायबल एंड फास्टर एंड ईजियर। मतलब कोई भी अगर प्रोसेस को ऑटोमेटिकली अगर परफॉर्म करना है तो हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत फास्ट और इजी तरीके से काम करता है। ऑल्सो यूज़ एनालाइज डेटा, मेक प्रेडिक्शन एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब कोई भी डेटा को एनालाइज करना या कोई प्रेडिक्शन करना एल्गोरिथम के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एल्गोरिथम, कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं? जो मैंने बेसिक एल्गोरिथम लिख रखे हैं, जैसे रिकर्सिव एल्गोरिथम। जैसे रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या होता है कि कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी प्रोग्राम बार बार रिपीट करना, वो रिकर्सिव एल्गोरिथम में आता है। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि सर्चिंग में हम कोई भी चीज़ को या कोई भी इमेज फाइल हो गया, MP3 फाइल हो गया या कोई टेक्स्ट फाइल हो गया, उसको सर्च करने के लिए हम सर्चिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जैसे गूगल जो है सर्चिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है। शॉर्टिंग एल्गोरिथम, शॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है? कोई भी चीज़ को शॉर्ट करना, जैसे कि मान लीजिए बड़े से लेकर के छोटे तक शॉर्ट करना या छोटे से लेकर के बड़े तक शॉर्ट करना, ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम में आता है। जैसे नंबर, किसी नंबर को अगर शॉर्ट करना है 1 से लेकर के 100 तक, तो ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम में आता है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको एक साथ ना सॉल्व करके उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देना, वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में आता है। फिर ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम, जैसे अपन इंसान होते हैं तो लालची, ग्रीडी मतलब लालची, इंसान है वो लालची है, तो लालची क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जिस चीज़ को वो सबसे पहले काम करेगा, और जिसमें सबसे कम प्रॉफिट होगा उसको सबसे बाद में काम करेगा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू फाइंड इट। जैसे अब एल्गोरिथम जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टाइम फैक्टर पे, एक स्पेस फैक्टर पे। अगर हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम एक तो उसका टाइम देखेंगे, कितना टाइम में वो सॉल्व हो रहा है या कितने टाइम में वो परफॉर्म हो रहा है, और उसका स्पेस फैक्टर देखेंगे कि वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो ये दो चीज़ों पे एल्गोरिथम मतलब अच्छे से माना जाता है कि ये बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, एक तो टाइम फैक्टर पे और एक स्पेस फैक्टर पे, ठीक है। हाउ टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, अगर आप कोई भी एल्गोरिथम बनाते हैं तो कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि एक फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट के थ्रू आप एल्गोरिथम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक सूडो कोड, सूडो कोड होता है कि अगर आप अपनी भाषा में लिख करके या मैथमेटिकल भाषा में लिख करके अगर किसी एल्गोरिथम को आप बताना चाहते हैं तो उसको सूडो कोड बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट अभी हम देखेंगे, सूडो कोड क्या होता है, किसी प्रोग्राम को अपनी भाषा में और मैथमेटिकल भाषा में लिखना सूडो कोड कहलाता है। तो सूडो कोड हमें पढ़ना नहीं है, हमें फ्लो चार्ट पढ़ना है। फ्लो चार्ट क्या होता है आगे देखते हैं। फ्लो चार्ट आर नथिंग बट द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और द एल्गोरिदम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड विजुअली। मतलब किसी भी प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना या किसी एल्गोरिथम के कोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, वो फ्लो चार्ट में हम दिखाते हैं।
ठीक है, फ्लो चार्ट के में क्या क्या यूज़ करते हैं? फ्लो चार्ट में बेसिकली, फ्लो चार्ट में हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे टर्मिनेट। अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम को हमें टर्मिनेट करना है तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम सोच रहा है, डिसीजन कर रहा है कि ये करना है कि नहीं करना है, वो डायमंड शेप का यूज़ करेंगे। अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं किसी प्रोग्राम में तो हम पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटा का फ्लो दिखाना है कि डेटा किधर जा रहा है, तो हमें एरो का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट के सिंबल हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर फ्लो चार्ट में। अब जैसे टर्मिनल सिंबल है, तो टर्मिनल सिंबल स्टार्ट और एंड द प्रोग्राम यूज़ द ओवल शेप, इसको ओवल शेप बोलते हैं। अगर किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या एंड करना है तो हम ओवल शेप का यूज़ करते हैं। जैसे स्टार्ट एंड, ये दो चीज़ें हम टर्मिनल में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस दिखाना है किसी प्रोग्राम का कि ये प्रोसेस कर रहा है, जैसे मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम का कोई मेन लॉजिक है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं। और मेन एक्शन ऑफ एल्गोरिदम यूज़ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब किसी भी प्रोसेस अगर हमें करना है या मेन लॉजिक उसके अंदर है तो उसको हम रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करेंगे। फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे अगर कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, जैसे एग्जांपल वो दो जो है एक से बड़ा है तो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो इस ऐसे स्टेटमेंट को हम डायमंड शेप में लिखते हैं, इसको हम रॉम्बस शेप भी बोल सकते हैं और डायमंड शेप भी बोल सकते हैं। तो अगर ये कंट्रोल स्टेटमेंट अगर दो एक से बड़ा है तो या तो सही है या गलत है। तो अगर सही है तो एक एरो इधर निकले, अगर गलत है तो एक एरो इधर निकले। तो ऐसे डिसीजन काम करता है। ठीक है, अब डेटा, डेटा को मतलब किसी प्रोग्राम में हमें इनपुट देना है या आउटपुट जनरेट करना है तो हम पैरेललोग्राम का फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यूज़र वांट टू इनपुट डेटा इन ए प्रोग्राम और आउटपुट डेटा ऑफ ए प्रोग्राम। अगर कोई भी यूज़र इनपुट देना चाहता है किसी प्रोग्राम में या उसे आउटपुट लेना चाहता है तो हम पैरेललोग्राम शेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। जैसे कोई प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ, उसमें हमने इनपुट दिया ए, ए मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, अब 4 को ये ओवल शेप में, अब ये लॉजिक है, अब 4 को ये डिवाइड कर रहा है। अगर 4 को अगर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 को डिवाइड कर, 2 से डिवाइड करने पर अगर वो 0 आएगा तो मतलब यस हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर वो 0 नहीं आता है तो नो में जाएगा। ठीक है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ रहा है तो मतलब नो हो गया, नो में जाएंगे। अब क्या करेंगे, ए में हम ए माइनस 1 कर देंगे, मतलब हमारा ए क्या था, ए हमारा 4 था, 4 में से 1 गया 3 बचा, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, प्रिंट हो जाएगा 3। अब ये जो है प्रिंट हो गया पैरेललोग्राम शेप में, जैसा कि ये आउटपुट हमारा निकल रहा है तो ये पैरेललोग्राम में आ गया। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो फ्लो चार्ट ऐसे काम करता है।